प्रदेश में हुए डीएमए फंड की राशि के घोटाले मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने पर कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी को लेकर भाजपा के प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार थी तब विधानसभा में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरोप लगाया था कि डीएमए फंड में 9 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है और तब से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इसे स्वीकार भी किया था। आज जब इसकी जांच हो रही है तो कांग्रेसी इसे राजनीतिक रूप दे रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार थी तब विधानसभा में प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के मोहन मरकाम ने आरोप लगाया था कि 9 करोड़ का और कई करोड़ रुपए का डीएमएफ में घोटाला हुआ है। ये तो कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के अध्यक्ष ने विधानसभा में आरोप लगाया था और फिर खाद्य मंत्री थे अमरजीत भगत, उन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया था कि हाँ इतना चावल का शॉर्टेज हुआ है। अगर ये शॉर्टेज हुआ है और घोटाला हुआ है तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और अगर आप जांच हो रही है तो कांग्रेसी उसे राजनीतिक रूप दे रहे हैं। अरे भैया, जो करे हो वो भरना तो पड़ेगा, पेड़ लगाओ बबूल का तो आम कहां से होगा।